1 जनवरी को हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई है। बैठक के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि जितने भी दिव्यांग और अपंग बच्चे हैं उनके लिए ऐसा कोई शिक्षा संस्थान नहीं है जहां पर मानक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। स्कूल के बच्चों के लिए एक बड़ा शिक्षा संस्थान बनाया जाएगा और आधुनिक मॉडल तकनीक के आधार पर शिक्षा सुविधा दी जाएगी। उसी संस्थान में हमने एकीकृत कॉलेज बनाने का भी फैसला लिया है। हमने ये फैसला उन दिव्यांग बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया जो किसी न किसी कारण से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। पिछले वर्ष की भांति हमने अनाथ बच्चों को एक कानून बनाया था, अनाथ बच्चों के संबंध में बात कही थी और हमने उसको अब धरातल पर लाया है। और हिंदुस्तान का पहला कानून जिसमें अनाथ बच्चों को हमने कहा था कि सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, वो अब लागू हो चुका है। जब कोई चीज़ कही जाती है और धरातल पर आती है तो उसका सुखद अनुभव होता है। तो 4000 बच्चों को हमने पिछली बार उनके लिए जो कानून बनाने की बात साल के पहले दिन कही थी उसी विषय में हम आज दूसरी बात आपसे कहने आए हैं। जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं, अपंग बच्चे हैं, उन बच्चों को के लिए कोई ऐसा स्टैंडर्ड का शिक्षा संस्थान नहीं है कि उन बच्चों की पढ़ाई हो सके। उन बच्चों के लिए शिक्षा संस्थान प्लस पढ़ने के बाद उनके लिए कोई ऐसा कॉलेज नहीं है और ये समाज के वो वंचित बच्चे हैं जो शिक्षा तो प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो अंधा है, बहरा है, गूंगा है या 70% के करीब अपंग हो चुका है। हमारी सरकार ने आज साल के पहले दिन उन बच्चों के लिए एक योजना लाने की हमने एक योजना लाने की योजना सोच रहे हैं जो आने वाले समय में फैसला लिया है, जो आने वाले समय में आपको उस पर नजर आएगी, धरातल पर नजर आएगी। उनके लिए एक बड़ा स्कूल के बच्चों के लिए शिक्षा संस्थान बनाएंगे, उनको पूरे पढ़ने की सुविधा देंगे और आधुनिक सुविधा देंगे, जो लेटेस्ट मॉडल टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर ये सुविधा देंगे। फिर उसके बाद वो जब स्कूलिंग कर लेगा तो उसकी कॉलेज की पढ़ाई के लिए उसी संस्थान में इंटेग्रेटेड स्कूल भी और कॉलेज भी हम बनाने का हमने फैसला किया है। तो इस दृष्टिकोण से आज के शुभ दिन हमने ये फैसला उन दिव्यांग बच्चों के लिए किया है जो किसी न किसी कारण से शिक्षा से ना छूट जाए और उनको शिक्षा के स्तर में बेस्ट शिक्षा मिले, इस दृष्टिकोण से हमने ये फैसला किया है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कैबिनेट ने नए साल पर कई अहम फैसले लिए। प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने नए साल में हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा दिया जिसकी अधिसूचना सोमवार को जारी हुई है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मुझे खुशी है कि 3 दिन पहले ही केंद्र से फैसला आया है जिसे पढ़ने के बाद ऑफिस खुलते ही हमारी कैबिनेट ने हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की अधिसूचना जारी कर दी है। हमने पहले ही कहा था कि हाटी समुदाय को लेकर क्लैरिफिकेशन आते ही 24 घंटे के अंदर अधिसूचना जारी की जाएगी, लेकिन सरकार ने 10 घंटे के भीतर ही हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने का निर्णय लिया। सीएम ने कहा कि 3 जनवरी को नाहन में जाकर लोगों को इस बारे में संबोधित किया जाएगा। संदर्भ हमसे पूछा था तो उसमें एससी के बारे में क्लैरिफिकेशन हमें चाहिए थी। लॉ डिपार्टमेंट ने जब कुछ ऑब्जेक्शन रेज किए, हमने सितंबर में हाटी के बारे में क्लैरिफिकेशन भारत सरकार को भेजी और समय समय पर मेरी इस मामले में गृह मंत्री जी से भी बातचीत होती रही। मुझे खुशी यह है जो हाटी समुदाय के लोग हमारे क्षेत्र में रहते हैं उसमें परसों रात को हमको ये फैसला हमारे पास आया और हमने उस फैसले को विस्तृत पढ़ा और आज जैसे ही तत्काल हमारा ऑफिस खुला हमारी कैबिनेट ने हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की अधिसूचना जारी कर दी है, शेड्यूल ट्राइब की सूचना जारी कर दी है। और हमने तो उस समय भी कहा था कि जैसे ही हमें उसकी क्लैरिफिकेशन आएगी हम 24 घंटे के भीतर इस अधिसूचना को लागू कर देंगे, लेकिन अभी तो 24 घंटे हुए नहीं है, हमने तो उनको 10 घंटे के भीतर ही लागू कर दिया है। और इस संदर्भ में
इस सूचना के बारे में मैं 3 तारीख को नाहन में जाकर लोगों को भी इस बारे में संबोधित करूंगा कि जो हाटी समुदाय काफ़ी समय से इसको मांग कर रहा था, काफ़ी सालों से कांग्रेस की जो पिछली सरकारें थे उन्होंने भी इस केस को आगे बढ़ाया और आज उस समुदाय के जो ST का दर्जा देने की बात है उसको भी इस आज साल के पहले दिन हमने उसकी नोटिफिकेशन करके इसे लागू कर दिया है।